हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अ नर वीडियो ऑफ सी यू टी विद स्काईलाइट इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट एम प्रैक्टिस सीरीज बात करेंगे एन नदर इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन की जो आपको हेल्प करेंगे आपके सी यू ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में टॉपिक होगा आज फिर से इंडियन इकोनॉमी चलिए स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज लैंड सीलिंग टू ये लैंड सीलिंग क्या है तो देखिए जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट इंडिया के एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही तो कर रही थी तो उसमें एक रिफॉर्म था लैंड सीलिंग लैंड सीलिंग के अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम लैंड होल्डिंग साइज और लिमिट को फिक्स किया गया कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम इतनी लैंड का साइज होल्ड कर सकता है या एक फैमिली एक एक हाउस होल्ड इतना लैंड का साइज मैक्सिमम होल्ड कर सकता है एक लिमिट फिक्स की गई तो दैट वॉज कॉल्ड लैंड सीलिंग क्लियर अब हम यहां से देखेंगे ऑप्शन में से to, first, yes. कि लैंड सीलिंग फर्स्ट मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड ऑन बाय एन इंडिविजुअल ऑन कर सकता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियज नो ये अपने आप में एक सेपरेट लैंड रिफॉर्म था जिसके अकॉर्डिंग इंटरमीडियरी यानी कि जमीनदार को एबॉलिश किया गया ओके okay. Portion of agriculture produce sold in the market. That agriculture produce का portion market may sale किया reform land ceiling to Okay. So right answer is only A option. Clear. Okay. Next question. After independence, in order to bring equity in agriculture, land reforms or policies were introduced by the government. That includes तो इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर में इक्विटी लेके आने के लिए जो लैंड रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए उसमें क्या कवर होता है तो देखें एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन लैंड सीलिंग तो ये तो हमने पढ़ा कि देखो ब्रिंग इक्विटी क्लियर तो लैंड सीलिंग तो इन्वॉल्व था क्योंकि इक्विटी आएगी उससे क्या होगा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी लैंड सबके पास होगी तो इससे इक्विटी प्रमोट होती है ओके ग्रीन रेवोल्यूशन कवर नहीं होगा क्यों क्योंकि ग्रीन रेवल्यूशन एक लैंड रिफॉर्म नहीं है ग्रीन रेवल्यूशन तो एक एफर्ट था एक प्लानिंग का पार्ट था कि कैसे हम एग्रीकल्चर को ग्रो कर सकते हैं क्लियर ओके एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम क्योंकि जमींदार्स को जब एबोलिश किया जाएगा इंटरमीडियरीज को जब एबोलिश किया जाएगा तो इससे जो पीजें के ऊपर जो फार्मर्स के ऊपर कल्टिवेटर्स के ऊपर जो एक्सपर्टेशन हो रही है उसको खत्म किया जा सकता है जिससे इक्विटी प्रमोट होगी क्लियर ओके तो अवर राइट आंसर कैन बी ओनली वन ऑप्शन इन थर्ड ऑप्शन ओनली वन नो ओनली टू नो वन एंड थर्ड राइट सी इज द राइट आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वो टू भी कवर कर रहे हैं क्लियर तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आईडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड ऑफ़ ग्रीन रेवोल्यूशन तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब कि हरी क्रांति क्रांति मीन्स कि इतना ज्यादा तेजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया प्रोडक्शन बढ़ाया गया एग्रीकल्चर का ग्रोथ लेके आया गया कैसे विद द यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद द यूज ऑफ न्यू काइंड ऑफ सीड्स जिसको हम बोलते हैं हमारा हाई जील्ड वेराइटी सीड्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इरीगेशन फेसिलिटीज इन तरीकों से जब हमने अपने एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखा तो वो हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन Clear? तो देखे इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है चारों में से जो इसका एडवांटेज नहीं है तो फर्स्ट इंडिया ये इसका है, क्योंकि इंडिया, जब करता है को जब देखता है तो इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इतनी तेजी से प्रोडक्शन बढ़ती है आउटपुट बढ़ता है कि हम अपने आप में सेल्फ सफिशियंट हो जाते हैं अब हमें इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्लियर देखा कि ग्रीन रेवल्यूशन के बाद जब हमने ग्रीन रेवल्यूशन को अडोप्ट किया टेक्निक्स को हमने अडोप्ट किया तो इंडिया के अंदर इतना आउटपुट बढ़ा इतना प्रोडक्शन हुआ कि अब इंडिया के पास एक सफिशियंट ब फूड ग्रेन्स का क्लियर ओके okay.

के बराबर जब ग्रोथ हो रुकी हुई ग्रोथ ठीक है वो स्टेग्नेशन होता है तो एग्रीकल्चर का स्टेग्नेशन कैसे टूटा तो देखे लैंड रिफॉर्म से टूटा ग्रीन रेवल्यूशन बफर स्टॉक्स लैंड सीलिंग तो देखिये लैंड रिफॉर्म्स नो म से हमने एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस देखे हमने सिस्टम को चेंज किया ठीक है पर स्टेगनेशन किससे टूटा जब बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ी वो कब हुआ था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो बफर स्टॉक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक इम्प्लीमें मतलब था एक इन्फ्लुएंस था हमारा आंसर क्या होगा ग्रीन रेवोल्यूशन लैंड सीलिंग भी अपने आप में एक रिफॉर्म है तो इसको हम कवर नहीं करते ओनली ग्रीन रेवोल्यूशन इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन

पॉलिसी ऑफ लैंड टू रही इज बेस्ड पॉलिसी का क्या main idea था तो देखिए ऑनर्स ऑफ soil ऑनर्स ऑफ लैंड अभी तक क्या था कि ऑनर्स जमींदार्स थे और जो कल्टीवेटर था वो उसके ऊपर टेनेंट था वो सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि बस मुझे रेंट निकालना है और अपने subsistence के लिए निकालना है क्लियर तो वो उतना ज्यादा चाह के भी प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता था वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता ना गवर्नमेंट उसको कुछ इन्वेस्ट करके देती है ना जमींदार उसको कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं तो अगर हम ये लैंड ही टिलर को दे देंगे टिलर ही जो, है, जो, टिलर है, जो किसान है उसके ऊपर जो काम कर रहा है अगर वही उसका मालिक बन जाएगा तो क्या होगा कि कल्टिवेटर्स विल टेक मोर इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग आउटपुट आउटपुट बढ़ाने में वो इंटरेस्ट भी लेंगे अगर वो खुद ऑनर्स होंगे ठीक है सेकेंड दे विल हैव मोर इंसेंटिव बिल्कुल उन्हें कमाई भी ज्यादा होगी तो दोनों ही पॉइंट्स सही हैं तो द राइट आंसर इज इज बोथ ए एंड बी दिस राइट आंसर जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बोथ ए एंड बी या नीदर ए नोर बी जैसे या ऑल ऑफ दीज जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं तो हमेशा सारे ऑप्शन को आपको रीड करना चाहिए क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड limits ऑफ लैंड which could be owned by an individually. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा कि क्या है जिससे कि हम स्पेसिफाइड लिमिट को फिक्स कर देते हैं जो एक इंडिविजुअल लैंड को ऑन कर सकता है उस साइज तक की लैंड को वो ऑन कर सकता है तो क्या ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स है नो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के तहत क्या हुआ था कि पहले जब हमने हमारे पास जो इंडिया हमें मिला था उसमें लैंड जो थी वो मतलब कि स्कैटर्ड थी ठीक है किसी का कुछ पोर्शन ऑफ लैंड इधर है कुछ उधर है तो गवर्नमेंट ने इसको कंसोलिडेट करके लैंड एक ही जगह पे दी किसी भी इंडिविजुअल को ठीक है तो ये लैंड को जोड़ने का काम था ठीक है करने करने का या fix करने का का हमारी जो था 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 वो नहीं नहीं no, ये भी नहीं था. Farming का मतलब है जब लोग मिल्कि फार्मिंग करते हैं और मिलकर उसे सेल करने जाते हैं ताकि उन्हें अच्छे प्राइसेस मिल सके ओके टैरिफ टैक्स तो ये इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे यस लैंड सेलिंग इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पे बताने की कौन सी स्टेटमेंट लैंड सीलिंग पॉलिसी के साथ ट्रू है एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए इक्विटी लेके आना वॉज द ऑब्जेक्टिव पर इट लेड टू इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा नहीं हुआ था क्लियर ओके मेनी लैंड लॉर्ड्स एबल टू एस्केप देशन ये दिस इज राइट बिल्कुल ऐसा हुआ था क्योंकि बहुत सारे जो लैंड थे बड़े फार्मर्स थे या बड़े लैंडलॉर्ड्स थे सॉरी उन्होंने इस लॉ से बचने के लिए इस एक्ट से बचने के लिए क्या किया था कि अपनी लैंड क्योंकि लैंड फिक्स हो गई है लिमिट तो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास तो इतनी लैंड है ही नहीं उन्होंने अपने रिलेटिव के नाम पे करवा दी थी रजिस्टर ठीक है तो ये हम कह सकते कि दिस इज द राइट स्टेटमेंट कि मेनी लैंड लॉर्ड्स आर एबल टू एस्केप द लेजिस्लेशन बाकी भी देख लो एक बार वैसे ये है नहीं राइट right आंसर पर हम देख लेते हैं the implementation of legislation was challenged by the small tenants small tenants challenge कर रहे हैं no it was successful in kerala and west bengal because it met no resistance ऐसा भी नहीं है ठीक है तो ये नो no रेजिस्टेंस वाला रीजन तो नहीं था वहां पे ठीक है क्योंकि पर वहां पे क्या था कि ये इंप्लीमेंट ही बहुत छोटे स्केल पे हुआ था तो बाकी कंट्री में तो ये हो ही नहीं पाए थे और ये सिर्फ सारी लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है ये कोई लैंड सीलिंग पॉलिसी के रिलेटेड नहीं था तो right is, फिर से करना चाहूंगी कि अगर अभी तक भी आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं किया है तो काइंडली गो एंड आपको बहुत हेल्प होगा आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हुए क्यू कोड को स्कैन करें और प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है ओके टू हंड्रेड नाइन क्वेश्चन वैसे तो बहुत तरीके की रिफॉर्म्स इंडिया में आई थी लाइक लैंड रिफॉर्म्स टेक्निकल रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बट जहां हम बात करें इन दो रिफॉर्म्स की तो ये लैंड रिफॉर्म्स थी ये एग्रीकल्चर के लिए आए थे ठीक है तो एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग आर पार्ट ऑफ Industrial reforms? No. External sector? No. Foreign reforms? Also Land reforms in India? Yes. Banking? No. So, the right answer is C option. Okay. Next question. Under the British system of land settlement, the zamindars' dues to the state were fixed. What did this mean for the cultivators? Okay. तो कहते ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट में जमींदार ने जो अमाउंट स्टेट को देनी होती थी गवर्नमेंट को देनी होती थी वो थी वो तो इसका कल्टिवेटर्स के लिए क्या मतलब क्लियर वर एक्सप्लोइेड एंड पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस ये बिल्कुल सही है देखिए अब जब मुझे पता है कि मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी है तो मुझे अपने फार्मर से वो अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए चाहे वो प्रोड्यूस करें चाहे वो कुछ ना प्रोड्यूस करें चाहे मौसम उनके फेवर में हो चाहे ना हो प्रॉब्लम दे आर फेसिंग मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर मैं फार्मर्स को या कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करूंगी आपको ये रेंट पे करना ही होगा रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस

फूड हुई पर इसका इस पॉइंट से कोई लिंक अभी नहीं बनता क्यों क्योंकि यहां पे हम ड्यूज की बात कर रहे हैं रेंट की बात कर रहे हैं क्लियर तो राइट ऑप्शन इज इज बी ऑप्शन दिस राइट आंसर तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टेन क्वेश्चंस आज के फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनमी अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस Thank you for watching this video and please subscribe this channel and also please share this video with your friends.